हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज के डाउट सेशन में वी डू नॉट हैव लॉट्स ऑफ डाउट, तो इसीलिए हम कुछ जनरल चीजें भी शुरुआत में डिस्कस करेंगे जो आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगेन लेट्स अगेन वेट, ओके, लेट्स अगेन वेट फॉर बिकॉज सम पीपल हु हैव नॉट ज्वाइंड, अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए वेट करते हैं थोड़ी देर। सो गाइस टेल मी अगेन, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? लाइक हर वीक मैं आके आपसे यही पूछता हूँ बिकॉज आई थिंक एक बार आपको एक तरीके से मुझे भी पता चलता है कि कहाँ आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, प्लस हो सकता है कि मैं कुछ आपको बताने के लिए हेल्प कर सकूँ। तो टेल मी गाइज, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, हु आर ज्वाइनिंग राइट नाउ। सो गाइस टेल मी हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग, आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? राइट आप में से कितने लोग यहाँ पे हैं जो 2021 में दे रहे हैं एग्जाम? हेलो हेलो, तो लेट्स वेट अ बिट, थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि और लोग आ जाएं। ओके लेट्स वेट अ बिट सो दैट मोर पीपल कम हियर। ओके गुड इवनिंग नीमा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हाउ इज योर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है प्लीज बताइए। गुड इवनिंग शकुंतला, गुड इवनिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? लाइक कितना परसेंट आपके हिसाब से आप लोगों ने कितना परसेंट सिलेबस कवर कर लिया है? क्या रिविजन स्टार्ट कर दिए हैं? गुड इवनिंग श्रुति, गुड इवनिंग। लेट्स जस्ट वेट अ कपल ऑफ मिनट्स मोर, फिर वी विल स्टार्ट। एक मिनट और वेट करते हैं ताकि जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं दे शुड ज्वाइन अस। ओके तो एंड अगेन आप सब गाइज, आई होप आप सब सेफ हैं। ओके यू आर टेकिंग दी नेसेसरी प्रिकॉशंस, आप सब प्रिकॉशन ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दी सेकेंड वेव ऑफ कोविड, राइट? तो प्लीज देखिए, जब तक नेसेसरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलिए। ओके एंड अगर निकलना है, बहुत ही एसेंशियल है, तो प्लीज सारी प्रिकॉशंस लेके निकलिए। ओके यूज अ मास्क, ओके मास्क जरूर यूज करिए जब भी बाहर निकलते हैं, और साथ ही साथ सैनिटाइजर भी ले जाइए अपने साथ। ओके एंड जितना पॉसिबल हो आप बाहर जाना तो अवॉइड करिए। ओके सो एज फार एज पॉसिबल अवॉइड गोइंग आउट। ठीक, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट, राइट, लेट्स बिगिन, अदर्स विल ज्वाइन अस सून। ओके सो बेसिकली अगेन जो हमारा ये डाउट सेशन है, इसमें अगेन हम जो है पहले कुछ अगेन जो आपने डाउट फॉर्म में डाउट्स भरे होंगे डाउट फॉर्म में, उसको देखेंगे मेनली। एंड अगेन वन थिंग दैट इस बार बहुत ही कम डाउट्स आए, तो अगेन आप लोगों से आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज यूज द डाउट फॉर्म। ओके डाउट फॉर्म हर लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा अगर आप अपने डाउट्स देंगे यहाँ पे, हम आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे कलेक्टिवली। ओके तो इससे आपका भी बेनिफिट होगा, प्लस आपके पीयर्स का जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट होगा। ओके और सो इस बार सिंस डाउट जो है ये आपका डाउट्स कम आए, तो डाउट सेशन थोड़ा छोटा होगा। तो लेट्स बिगिन, पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस। ओके तो फर्स्ट इज हाउ इज द जोश, मतलब आपकी प्रिपरेशन का जोश कैसा है? क्या आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है? राइट क्या क्या मतलब आपका मोटिवेशन लेवल हाई है प्रिपरेशन को लेके? इज योर मोटिवेशन लेवल हाई? ओके प्लीज टेल मी हाउ इज योर, हाउ इज द जोश, मोटिवेशन लेवल कितना है आप लोगों का? ओके व्हाट इज द मोटिवेशन लेवल? ओके गाइस टेल मी आपका मोटिवेशन कहाँ है अभी, हाई है या लो है या मिडिल में है, बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ। हाउ इज द जोश? ओके आपकी मतलब कितना मोटिवेशन लेवल कहाँ है? हाई, गुड गुड, ग्लैड टू हियर इट। देखिए प्रिपरेशन कैसी भी चल रही हो, मोटिवेशन हमेशा हाई होना चाहिए। ओके तभी आप जो रिमेनिंग भी टाइम है अभी उसमें आप अपना मैक्सिमम बेस्ट एफर्ट तभी दे पाओगे। ओके यस गुड, करंट यस हाई, दैट्स गुड। तो कुछ भी हो अब आपको अपना मोटिवेशन और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई ही रखना है। ओके क्योंकि तभी आप जो रिमेनिंग टाइम है उसमें भी अपना बेस्ट कर सकते हो। ओके तो
और ओनली देन यू कैन डू योर बेस्ट इन द रिमेनिंग टाइम. यस सुधांशु, इट्स ऑलवेज बेटर टू यू नो कि जितना ज्यादा मोटिवेशन बढ़े. बट यस वन थिंग, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि देखिए बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है इस टाइम पे, जैसे जैसे एग्जाम क्लियर आता है तो मोटिवेशन लेवल डाउन जाता है, तो आप एक नेगेटिव साइकिल में चले जाते हो. मोटिवेशन लेवल लो होता है, आपकी स्टडी की इफिशियंसी कम होती है, आप मॉक टेस्ट में कम स्कोर करते हैं और मोटिवेशन लो हो जाता है. तो इसीलिए ये जो नेगेटिव साइकिल है इसको ब्रेक करने के लिए आप अभी अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल हाई रखिए. ओके एंड जो आपके फोकस है टारगेट्स उस पर फोकस रखिए, उसको करिए. ओके और उससे क्या होगा, आप जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें इफिशियंटली पढ़ोगे, इफिशियंटली पढ़ोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपके मॉक टेस्ट में आएंगे, आप क्वेश्चंस कर पाओगे. ओके और क्वेश्चंस कर पाओगे अच्छे से तो ऑटोमेटिकली फिर आपका पॉजिटिव साइकिल होगा कि आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा. तो आई थिंक बस दो लोगों ने ही बताया हाउस जोश, बाकी लोगों का क्या हाल है, मतलब क्या चल रहा है उनका किसी प्रिपरेशन की, यू नो. चलिए आई थिंक नॉट मेनी पीपल हैव ज्वाइंड अस दिस टाइम. तो अगला है लाइक हैव यू स्टार्टेड द मॉक टेस्ट, क्या आपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया है, हैव यू स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट. ओके गाइस, हैव यू स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट, टेल मी गाइस आपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया है या नहीं शुरू किया है. ओके देखिए क्योंकि डाउट सेशन डाउट्स बहुत ही कम आए थे इस बार, सो दैट्स व्हाई मैं ये कुछ जनरल चीजें डिस्कस कर रहा हूँ विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके तो आप लोगों ने क्या मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है. ओके यस करण, ओके बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है राइट. तो क्या आप लोगों ने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, हैव यू गाइस स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके यस सो सो दैट्स गुड. देखिए अब ये टाइम है कि आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखिए आपने ऑलरेडी देखिए पॉलिटी में भी काफी कवर कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री भी काफी कुछ कवर कर लिया है आपने, इकोनॉमिक्स में भी काफी कर लिया है, तो तीन सब्जेक्ट में आपने काफी कुछ कवर कर लिया है. तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो इन तीन सब्जेक्ट्स के तो आप मॉक टेस्ट वो भी सेक्शनल वाले शुरू कर दीजिए. ओके सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट दीज मॉक टेस्ट. ओके अगर नहीं किया है, वैसे तो पहले से ही कर लेना चाहिए था, बट अगर नहीं भी किया है तो अभी आप स्टार्ट कर दीजिए. ओके नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आप करंट अफेयर्स को टाइम दे रहे हो. ओके दिस इज द लास्ट थिंग दैट जनरल थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू गाइस, कि आर यू गिविंग इनफ टाइम टू करंट अफेयर्स. ओके निखिल, देखिए पीसीएस आई थिंक वी विल डिस्कस इट एट सम अदर टाइम. ओके अभी हम यूपीएससी पे फोकस हैं राइट. और अगर निखिल आप भी 2021 में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो लाइक यूपीएससी पे पहले पूरा फोकस रखिए, प्राइमरी फोकस, और फिर सेकेंडरी फोकस रखिए पीसीएस पे. ओके सो प्राइमरी फोकस अपना पहले यूपीएससी रखना चाहिए. ओके सो आप बताइए, आप करंट अफेयर्स शुरू कर दिया है आप लोगों ने या नहीं. राइट, आर यू डूइंग करंट अफेयर्स. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि डेली 1 से 2 घंटा तो आपको आप करंट अफेयर्स में देना ही है. ओके तो प्लीज स्टार्ट. इनफैक्ट आई वुड इवन से दिस कि अगर आप न्यूज़पेपर जो आप करते हो तो यू कुड इवन स्किप, अगर आपने अच्छे से नहीं किया है करंट अफेयर्स अभी तक, यू कुड स्किप द न्यूज़पेपर. मान लो न्यूज़पेपर में आप 1 आवर जो देते थे, 1 1.5 आवर, वो आप स्किप करके करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए. करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स कवर करना शुरू कर दीजिए 1 या 2 घंटे में. ओके क्योंकि करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए स्टैटिक पार्ट यहाँ से हो जाएगा और करंट अफेयर्स हम एंड में आपको डेफिनेटली कराएंगे, बट अभी आपको थोड़ा करंट अफेयर्स खुद से भी पढ़ना होगा, तभी आपको जो एंड में है वो करंट अफेयर्स अच्छे से आएगा. ओके तभी ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा. तो इसलिए मैं आपको यू नो आई आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग ऑल यू गाइस कि आप प्लीज करंट अफेयर्स करना शुरू करिए. ओके सो प्लीज स्टार्ट डूइंग करंट अफेयर्स. तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने डाउट्स पे. तो पहले कुछ जनरल डाउट्स देखते हैं, जनरल डाउट्स देखते हैं. तो सबसे पहला जनरल डाउट है कि क्या हम कुछ मेंस के लिए करेंगे. राइट, सो सम पीपल हैव आस्क्ड अस दैट वेदर वी विल डू समथिंग अबाउट मेंस. तो सर्टेनली हम कुछ करेंगे मेंस के लिए, बट अभी हमारा फोकस भी ये है और आपका भी फोकस ये होना चाहिए कि दैट यू शुड यू नो फोकस ऑन क्लियरिंग प्रीलिम्स राइट नाउ. ओके अब आपको प्रीलिम्स के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है इस टाइम पे, क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है. ओके June 27 को है आपका प्रीलिम्स. ओके सो यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स राइट नाउ. एंड सर्टेनली आई वुड यू नो डेफिनेटली अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा आई वुड
मैंने तो पहले ही बोल रखा है कि फॉर मी यू नो इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर अगर आप में से ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करें, और फिर जब हम आगे मेंस के लिए कुछ करेंगे तो वहां पर भी हम सब मिले। ओके, सो प्लीज ज्यादा अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, ये पेरिफेरियल थिंग्स पे। आप बस अपना प्रीलिम्स का जो है फोकस रखिए उस पे कि प्रीलिम्स क्लियर करना है अभी। ओके, कुछ लोगों ने अभी भी पूछा है बुक लिस्ट के लिए, सो आई थिंक ये जो लोगों ने पूछा है बुक लिस्ट के लिए मे बी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022। ओके, 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2023 के लिए। सो इनके लिए आई वुड रिकमेंड कि देखिए इस चैनल पे भी वीडियोस हैं, प्रेपाइस चैनल पे भी वीडियोस हैं बुक लिस्ट को लेके, आप वो देख सकते हो, प्लस कुछ और वीडियोस भी देख सकते हो आप बुक लिस्ट को लेके। और उसमें से आप बस कुछ देखिए, अगेन एक जनरल प्रिंसिपल मैं बता सकता हूँ, देखिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो आपको पढ़नी ही है, बट एक जनरल प्रिंसिपल कि एट मैक्सिमम फॉर ईच सब्जेक्ट ओनली वन बुक, ओके एट मैक्स, राइट। और अगर इसके बाद भी आपको नीट पड़े तो एक रेफरेंस बुक। तो ये दो चीजें, एक मेन बुक और एक रेफरेंस बुक फॉर ईच सब्जेक्ट, ओके इससे ज्यादा नहीं करना। ओके, और ये आप कहाँ से छाट के निकालोगे, देखिए इस चैनल पे भी वीडियोज हैं, ओके देयर आर वीडियोज ऑन दिस चैनल एज वेल एज यू नो दूसरे चैनल पे वीडियोज हैं, टॉपर के वीडियोज हैं। इनफैक्ट आई नेवर से कि आप मेरी चीज देख के मानिए, आई ऑलवेज से मैं हमेशा बोलता हूँ आप हर चीज देखिए। ओके, हर चीज देख के बस आप ये निकाल लीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक मेन बुक और एक रेफरेंस बुक निकाल लीजिए और उसको बस फिक्स कर लीजिए अपने लिए। ओके, उसको अपने उसमें लिख लीजिए, राइट। और बुक लिस्ट अगर आपको यहाँ पर देखना है तो इस चैनल पे भी एक वीडियो है इसके ऊपर। ओके, सो आई होप ये इस क्वायरी को एड्रेस करता है। निखिल, देखिए हिंदी में सी आई एम लाइक हिंदी में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, बट आई वुड अगेन रिकमेंड आप हिंदू ही रिफर करिए। ओके, और हिंदी में अगर करंट अफेयर्स मैगजीन आती हैं, विजन की भी करंट अफेयर्स हिंदी में भी आती है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। ओके, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि हिंदी में सर्टेनली थोड़ा मुश्किल है ये बताना कि कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा होता है, राइट। तो अगेन यस, इज दिस कोर्स सफिशियंट। ओके, सो अगेन उससे पहले मैं एक डाउट ले लेता हूँ, व्हाट टू डू फॉर नेक्स्ट ईयर, जो लोग 2022 में दे रहे हैं तो उनके लिए भी इस चैनल पे एक प्लान है फॉर 2022 प्रिपेयर करने के लिए। तो प्लीज आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप उस प्लान के थ्रू जाइए, तो आपको बड़े आराम से उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताया है मैंने कि क्या करना है। ओके, और वो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो है, आप इजीली देख सकते हो उसको और आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। ओके, नाउ यस अगेन, हर बार मैं ये डाउट एड्रेस करता हूँ दैट इज दिस कोर्स सफिशियंट। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग, देखिए जैसे मान लो ये पूरा आपका हो गया सिलेबस, हो गया यूपीएससी का, ये पूरा यूपीएससी का सिलेबस है। ओके, सो जो हमारा कोर्स है वो कवर करता है ए, राइट। सो अवर कोर्स कवर्स अराउंड 80% to 90% ऑफ योर सिलेबस। ओके, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं होता तो 100% कवर करने का टाइम नहीं होता, राइट। ये पेरिफेरल थिंग्स है। ओके, सो देखिए ये 80 to 90% वो है जो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते होंगे, राइट। जैसे आपने देखा, मैंने आपको यू नो पॉलिटी में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए, मैंने दिखाया आपको कि हर बार डीपीएसपी पे क्वेश्चन आता है, हर बार फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आता है, हर बार राइट्स ड्यूटीज के बीच में रिलेशन पे क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज जो है 80 to 90% ये जो है हमारे कोर्स में है, राइट। सो देखिए मेरा एडवाइस क्या है, आपके पास टाइम तो कम है तो पहले तो आप ये 80 to 90% ही अच्छे से करिए। फर्स्ट डू दिस 80 to, ये आपका पूरा है, ये आपका 80 to 90% जो कोर है, राइट। पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी वो अपने इस कोर को अच्छे से करने की होनी चाहिए कि मेक योर कोर स्ट्रांग, इसको बहुत मजबूत बना लीजिए। ओके, और कैसे, आप ये लेक्चर्स देखिए, आप रिवाइज करिए ये सब। एक बार जब आपका 80 to 90% बहुत अच्छे से कवर हो गया तो देखिए उसके बाद आप यू नो रिमेनिंग जो 10% पे अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ओके, अगर आपके पास टाइम हो, बट अगेन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बी वाइज बी स्मार्ट। अगर आप 80 to 90% बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, फिर ये बचा हुआ टाइम आप फिर मेंस के लिए दीजिए ना, तो आप प्रीलिम्स पे ही क्यों, मतलब क्यों ज्यादा से, कि प्रीलिम्स में देखिए 200 में से देखिए 150 170 लाने का ज्यादा फायदा नहीं है, 120 से 130 तक लाइए, दिस इज अ गुड रेंज। 150 160 लाने का क्या फायदा। ओके, आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है क्योंकि कट ऑफ देखिए जनरली अराउंड 98 99 ही होती है। ओके, तो 120
130 इज अ गुड टारगेट. ओके, आप ये मत सोचिए कि मेरे को प्रीलिम्स में मास्टरी करनी है. ओके, इतना ज्यादा मार्क्स लाना भी इतना फायदेमंद नहीं है. आपको एक कंफर्टेबल रेंज, जो मैं बोल रहा हूँ 120-130 की टारगेट करनी है. और ये रेंज आप कैसे कर सकते हो, जब आप 80-90% सिलेबस जो हम यहाँ क्रैश कोर्स में करा रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर लो. रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. ओके, अगेन मैं इससे ज्यादा फोकस नहीं कर सकता रिविजन पे, क्योंकि रिविजन इज द की नाउ. ओके, सो आई होप दिस थिंग, दिस डाउट इज क्लियर दैट वेदर दिस कोर्स इज सफिशियंट और नॉट. आई होप, क्या ये डाउट आपका क्लियर है कि इज दिस कोर्स सफिशियंट और नॉट? प्लीज टेल मी. आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर है. ओके सुधांशु, इज योर डाउट क्लियर दैट इज दिस कोर्स सफिशियंट और नॉट? प्लीज टेल मी कि क्या आपका ये डाउट क्लियर है. ओके, सो नाउ निखिल सी, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगेन मैंने जैसे आपको बताया ना, वो एक वीडियो 2022 के लिए, उसमें मैंने ऑप्शनल पे आपको बता रखा है. कुछ दो तीन चीजें देखनी होती हैं आपको ऑप्शनल में, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते हैं आपको, प्रीवियस सिलेबस देखिए, उसका ट्रेंड देखिए कि क्या सिलेक्शन रेट है. ओके, पांच छह चीजें हैं जो हम ऑब्वियसली, निखिल मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा आपको. इनफैक्ट इस पे जो वीडियो भी है हमारे चैनल पे. ओके, सो आप अभी फिलहाल हम यहाँ पर प्रीलिम्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऑप्शनल वगैरह पे अभी नहीं जा रहे. बट अगर निखिल यू नीड हेल्प, तो इसमें एक वीडियो है राइट, यूपीएससी 2022 के लिए, उस पे आप देखिए. तो वहां पर मैंने आपको सजेस्ट कर रखे कि क्या चार पांच पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं. ओके, सो अब बढ़ते हैं अगले डाउट पे. ओके, सो द नेक्स्ट डाउट इज हाउ टू रिमेम्बर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल एंड ऑल अदर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. देखिए, रिमेम्बर करने का एक ही तरीका होता है, रिवाइज करना. और देखिए एक और चीज है, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है उनकी हर पावर पे क्वेश्चन नहीं आता. ओके, हर पावर पे क्वेश्चन नहीं आता, कुछ जो स्पेसिफिक चीजें हैं उन पे ही क्वेश्चन आता है. ओके, सो वो स्पेसिफिक चीजें आप हाईलाइट कर लीजिए अपने नोट्स में, और उनको बार बार फोकस करके रिवाइज करिए. अब आप पूछोगे वो स्पेसिफिक चीजें आपको कैसे पता चलेगी, तो उसका एक ही मात्र तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए. ओके, बट अगेन अगर आपको रिमेम्बर करना है, तो एक तरीका, तो पहली चीज तो ये है कि आप लेक्चर्स देख के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए. देखिए, बिना अंडरस्टैंडिंग के किसी भी चीज को याद करना बहुत मुश्किल है. ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू रिमेम्बर एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप किसी चीज को, जो भी पढ़ रहे हो पहली बार, जो भी पढ़ रहे हो, नॉट ओनली फॉर दिस थिंग बट इन जनरल कुछ भी पढ़ो, पहला आपको फोकस होना चाहिए टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग. एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई राइट, उसके बाद उसको रिमेम्बर करने के लिए रिवाइज करिए. ओके, रिवाइज करिए. ओके, सो रिविजन इज द की. एंड अगेन ऑटोमेटिकली जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और रिवाइज कर सकते हो, तो आप एक तरीके से क्या कर सकते हो उसको, एक या तो नेमोनिक्स होते हैं वो बना सकते हो, या फिर एक स्टोरी टाइप में बना सकते हैं आप उसको, कि ये होता है तो फिर ये होता है, ये होता है, तो इस टाइप से आप उनको रिवाइज कर सकते हैं. बट अगेन देखिए, शॉर्टकट से ज्यादा बेटर मैं यही बोलूंगा, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि प्रेसिडेंट को अगर कोई पावर दी गई है तो क्यों दी गई है. व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, इसका मतलब यही है कि यू मस्ट नो रैशनल बिहाइंड गिविंग. अगर यहां पर मैं बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर को हमने ये पावर दी है, इफ वी हैव गिवन प्राइम मिनिस्टर सम पावर, सो व्हाई वी हैव गिवन प्राइम मिनिस्टर दैट पावर. सिमिलरली प्रेसिडेंट को अगर कुछ पावर दी है, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर दी है या लेजिस्लेटिव पावर दी है, तो ऐसे क्यों दी है हमने प्रेसिडेंट को वो पावर, ये समझिए पहले. अगर आप ये भी समझ गए ना, तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो इनकी पावर है ये याद हो जाएगी. ओके, सो माई एडवाइस विल बी हियर, वन डेवलप अंडरस्टैंडिंग कि क्या है, क्यों है, वाई, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड आफ्टर दैट रिविजन. ओके, उसके अलावा बाद में अगर आपको याद करना है रिविजन में, आप निमोनिक्स वगैरह और बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो. ओके, बट अगेन आप इतना ही कर लो, अगर रिवाइज करो और अंडरस्टैंडिंग करो, तो बड़ी इजीली से आपको ये जो पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, और जो दूसरी पावर है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की, वो बहुत आराम से याद हो जाएगी. इनफैक्ट यही चीज नहीं, दूसरी चीजें भी आराम से याद हो जाएंगी. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर. तो निखिल इज आस्किंग, प्रिलिम्स के लिए कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस.
जाए, बिकॉज ओके सो दैट्स डेफिनेटली निखिल दैट्स राइट। सो लेट मी टेल यू मेजर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी है आपका मेजर सब्जेक्ट, ओके इकोनॉमिक्स है आपका मेजर सब्जेक्ट, अगर आप देखोगे ज्योग्राफी है आपका मेजर सब्जेक्ट, ओके तो आप देखोगे कि इनफैक्ट इनफैक्ट पॉलिटी से भी थोड़े कम आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके एंड फिर आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री। बट देखिए फिर यहाँ पर एक बड़ा इशू होता है कि देखिए आप सोचते हो कि ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बट कई बार क्या होता है यूपीएससी में कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि इस सब्जेक्ट से ज्यादा है तो इस सब्जेक्ट से हमेशा ज्यादा आएंगे, ओके यूपीएससी किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकता है। तो अगेन आई वुड रिकमेंड कि हाँ पहले प्रायोरिटी पे ये जो मेजर सब्जेक्ट है इनको तो कवर कर लीजिए, इन्वायरमेंट एक और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, सो ये जो है ये प्रायोरिटी पे कवर करिए, ओके ये सारे सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी पे कवर करिए पहले, ओके क्योंकि इससे आप कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो, अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे वो देखो मिनिमम 40 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से निकल जाएंगे, ये बस मैं बोल रहा हूँ इनका, बस स्टैटिक पोर्शन करना इन सब का, बस आप स्टैटिक पोर्शन भी करो मिनिमम 40 के अराउंड क्वेश्चन आपके इजीली निकलेंगे, ओके सो ये आपके पूरे पहला फोकस आपका इस पे होना चाहिए। फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उस पे दीजिए फोकस, और उसके बाद जैसे आपका फिर आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, एंशियंट आ गया, जैसे मिडाइवल हिस्ट्री आ गया। अब देखिए मिडाइवल हिस्ट्री अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको तो लास्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आप कुछ भी करके देख लो इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आए, तो इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। फिर जैसे आपका जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस से भी इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए तो इनको लो प्रायोरिटी पे रख सकते हो, हाई प्रायोरिटी पे ये सब्जेक्ट है, ओके पॉलिटी इकोनॉमिक्स। और एक और चीज है देखिए, हो सकता है पॉलिटी के कम क्वेश्चन है, बट पॉलिटी ऐसी चीज है जिसके अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो बहुत ही इजीली क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट सो इसीलिए पॉलिटी नहीं छोड़ता, राइट ज्योग्राफी ऐसी चीज है जिसके आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वो क्लियर कर लो अपने, तो कॉन्सेप्ट्स पे ही हमेशा क्वेश्चन आते हैं, राइट तो फिर वो जो अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी शॉर्ट शॉर्ट यू नो अराउंड 40, तो 40 ± 5 कर लो, अराउंड 40 ± 5 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे, मतलब आप 70 to 80 marks की रेंज में पहुंच जाएंगे। अब आपको इसके ऊपर जाना है, फिर वहां डाउटफुल क्वेश्चन आते हैं, फिर वहां करंट अफेयर्स से आते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर वहां आप कैसे अपना दिमाग लगा के पेपर करते हैं। बट हाँ अगर आप इसके जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर यू नो यू आर इन ट्रबल, देन यू आर इन ट्रबल, सो दिस इज समथिंग जो आपको मिनिमम तो करना ही है ये सब्जेक्ट्स, ओके तो आई होप दिस इज क्लियर निखिल, आई होप निखिल दिस इज क्लियर, ओके हेलो विवेक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो निखिल आई होप दिस इज क्लियर, आपको ये क्लियर है, तो इज इट क्लियर निखिल, ओके देन लेट्स मूव ऑन टू अनदर, नाउ स्पेसिफिक डाउट्स। अगेन देखिए कुछ चीज मैंने नोटिस की है कि व्हेन यू गाइस जो भी मतलब कुछ लोग जब डाउट्स पुट कर रहे हो आप तो बी स्पेसिफिक, ओके आप पूरे सब्जेक्ट यू नो टॉपिक का नाम डाल दोगे तो आई डोंट मुझे यू you नो know, पता नहीं लगता कि आपको स्पेसिफिकली कहाँ डाउट आया। और अगेन क्योंकि ये डाउट सेशंस कम से कम टाइम के होते हैं तो इसीलिए वी कैन नॉट यू नो आई कैन नॉट डू लाइक कि पूरा टॉपिक में दोबारा पढ़ाऊं, ओके सो दैट्स व्हाई वन रिक्वेस्ट विल बी कि व्हेन यू आस्क डाउट्स, जब आप डाउट्स पूछो तो उस टॉपिक में स्पेसिफिक किस जगह पे आपको क्या डाउट आया है, ओके तो उससे इट विल बी बेटर, ओके इट विल बी इजियर फॉर मी ऑल्सो एंड इजियर फॉर यू ऑल्सो कि आपके जो स्पेसिफिक डाउट है वो सीधा सीधा एड्रेस कर सकते हैं, और इससे सबके जो है मैक्सिमम डाउट्स एड्रेस किए जा सकते हैं, ओके तो पहला डाउट था पार्लियामेंट्री, सो आई थिंक इट मस्ट बी रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो लेट मी देखे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उनके लिए दो टाइप के गवर्नमेंट के सिस्टम है, एक हो गया पार्लियामेंट्री और एक हो गया आपका प्रेसिडेंशियल, ओके दो टाइप के सिस्टम है, वन इज पार्लियामेंट्री एंड वन इज प्रेसिडेंशियल, ओके तो नाउ देखिए इन दोनों में एक कोर, बस एक चीज का कोर डिफरेंस है, दैट डिपेंड्स ऑन कि वेदर अ सिस्टम इज प्रेसिडेंशियल और वेदर अ सिस्टम इज पार्लियामेंट्री, ओके वेदर सिस्टम इज प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, ये डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में रिलेशनशिप क्या है, ओके रिलेशनशिप क्या है। अब जहां तक पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो उसमें द एग्जीक्यूटिव इज
नॉट लाइक वॉटर टाइट सेपरेशन नहीं है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में. इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव इज, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, सो जो आपका एग्जीक्यूटिव है इज बॉर्न आउट ऑफ लेजिस्लेचर. द एग्जीक्यूटिव इज बॉर्न आउट ऑफ लेजिस्लेचर. इसका मतलब क्या समझे आप? पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप सब जानते हो हम इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटर्स, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. जैसे लोकसभा की बात करें तो जब इलेक्शन होता है तो हम लोग इनको इलेक्ट करते हैं, जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको इलेक्ट करते हैं, राइट. अब वो सब जब लोकसभा में जाते हैं, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी है, जिस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ द सीट्स मिली है, राइट, मेजोरिटी पार्टी या कोलिशन को जिसको मेजोरिटी सीट्स मिली इलेक्शन में, वो गवर्नमेंट बनाती है. तो वो जो जो गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट बनी है, इट इज मेड आउट ऑफ लोकसभा. ओके, लोकसभा के मेंबर्स के थ्रू बनी है. सो एंड ऑल्सो, तो पहली चीज तो दैट एग्जीक्यूटिव इज बॉर्न आउट ऑफ लेजिस्लेचर, ये पहला एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. ओके, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. अब इससे क्या समझे आप? मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? लेट सी. इसको तो मैंने बहुत ही अच्छे से डील किया था, तो आप बताइए कि इससे क्या मतलब समझा. व्हेन वी से जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, सो व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर? प्लीज टेल मी. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट या आइडिया क्लियर होगा कि जब हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब क्या होता है. तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो लेजिस्लेचर में जो है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल. ओके, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो भी वो एक्शन करता है, एक्शन या इनएक्शन जो भी करता है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर. और लेजिस्लेचर कैसे करता है उसको? क्वेश्चन आवर, आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्वेश्चन आवर हो गया, मोशंस हो गए, रिजोल्यूशन हो गया. ओके, मोशन रिजोल्यूशन हो गया, कैसे रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता है? क्वेश्चन आवर हो गया, मोशन हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, बजट हो गया आपका. ओके, और अल्टीमेटली क्या हो गया? नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन. ओके, नो कॉन्फिडेंस. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो एग्जीक्यूटिव को एकदम हटा देते हैं, फिर जो गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ इन अ पार्लियामेंट, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट वेयर देयर इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एग्जीक्यूटिव इज बॉर्न आउट ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. एंड फिर इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, राइट, फीचर्स होते हैं इसके. ओके, तो ये फीचर्स क्या हैं? ये आई वुड रिकमेंड कि आप नोट्स आपको मिले होंगे. ओके, सो नोट्स में आप रिवाइज कर लें इसको. ओके, प्लीज रिवाइज दिस इन नोट्स. ओके, नाउ अगला है, व्हाट इज मेंट बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ओके, सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आप सबको पता है कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दो टाइप से इलेक्शन, इलेक्शन एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ओके, और एक हो गया ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ओके, सो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, आई लेट मी प्लीज गाइस टेल मी, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इलेक्शन का, ये किसके लिए यूज किया जाता है? टेल मी गाइस, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो इलेक्शन का है, किसके लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किसके लिए इलेक्शन इलेक्शन में यूज किया जाता है? ओके, तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. आज आई थिंक काफी कम लोग आए हुए हैं, आई डोंट नो वाई, लगता है सब यू नो मे बी सम, आई होप दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड, बाहर नहीं गए होंगे अभी तो इस टाइम पे. ओके, बट स्टिल कम डाउट्स थे, तो आई थिंक इट वॉज एक्सपेक्टेड कि कम ही लोग आएंगे. सो बेसिकली चलिए हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज होता है लोकसभा के लिए. ओके, और ये जो यूज होता है, ये किसके लिए होता है? राज्यसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. तो
तो ऐसे बहुत सारे इलेक्शंस के लिए जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होता है। ओके, सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई से किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीट के लिए कोई कंटेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 10 कैंडिडेट। ओके, और किसी एक कैंडिडेट को मान लो 20% वोट मिले हैं, राइट? कैंडिडेट वन गॉट 20% वोट, बट हिज 20% वोट इज मोर देन रेस्ट ऑफ दी बाकी बचे, किसी और को 20% नहीं मिले, तो दिस पर्सन विल बी इलेक्टेड। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब आ जाओ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है कोटा, होता है इलेक्टोरल कोटा, इलेक्शन कोटा, मतलब एक बेसिक थ्रेशोल्ड होती है वोट्स की, जो विच हैज टू बी क्रॉस टू गेट इलेक्टेड। तो ये एक थ्रेशोल्ड होती है, एक एक लेवल होती है कि इतने से ज्यादा वोट्स मिल जाएंगे तो ए पर्सन विल बी डीम्ड टू बी इलेक्टेड। तो ये कितना होता है कोटा इन जनरल? इन जनरल ये होता है कि वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय सीट्स टू बी फिल्ड प्लस वन। ओके, वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय सीट्स टू बी फिल्ड प्लस वन एंड ओवरऑल प्लस वन। ओके, लेट मी राइट इट मोर क्लियरली। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट में ये होता है कि एक थ्रेशोल्ड या एक लेवल ऑफ वोट्स जो है, एक इतना मिनिमम वोट्स जो है सिक्योर करने होते हैं टू गेट इलेक्टेड, उसको बोलते हैं हम कोटा। तो कोटा कैसे डिटरमाइन होता है कि वैलिड वोट्स पोल्ड बाय डिवाइडेड बाय सीट्स टू बी फिल्ड प्लस वन एंड ओवरऑल प्लस वन। ओके, सो इससे हम निकाल लेते हैं कोटा क्या होता है। अब देखिए प्रेसिडेंट के केस में, अगर जब हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के केस में कोटा निकालना बहुत सिंपल है, राइट? वैलिड वोट्स जो भी है, मान लीजिए 100% वैलिड वोट्स हैं, तो इट ऑटोमेटिकली, और सीट कितनी फिल करनी है, एक ही सीट है प्रेसिडेंट की। ओके, सो 1 + 1 2, सो ऑटोमेटिकली ये कितना आ जाता है 51। ओके, बट देखिए अब क्या होता है, कुछ जगह क्या होता है, जैसे आप ले लीजिए राज्यसभा का इलेक्शन। अब राज्यसभा का इलेक्शन लेट अस अज्यूम से किसी 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 स्टेट से मान लीजिए 10 लोग आने हैं, 10 लोग आने हैं, राइट? 10 पीपल हैव टू कम एंड वहां वैलिड वोट्स मान लीजिए, हम मानते हैं देर आर 110 वैलिड वोट्स। ओके, 110 वैलिड वोट्स हैं। ओके, सो अगर 10 लोग आने तो कितना हो जाएगा, 110, राइट? वैलिड वोट्स 110 हो गए, और ये 10 + 1 11 + 1। ओके, तो ये कितना हो गया कि राज्यसभा में किसी भी पर्सन को 10 सीट से एक स्टेट की। लेट मी अगेन राइट इट मोर क्लियरली ताकि आपको इजीली अच्छे से एक्सप्लेन हो। ओके, सो आप सब जानते हो कि जो राज्यसभा है उसमें हर स्टेट को जो है सीट्स दे रखे। अब लेट अस अज्यूम स्टेट ए और इसको राज्यसभा में 10 सीट्स दे रखी है। अब इसका इलेक्शन कैसे होगा 10 मेंबर्स का? ये स्टेट ए के जो एमएलएज हैं, ये एमएलएज हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ये 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब 10 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए हमें पहले कोटा निकालना है कि क्या मिनिमम नंबर ऑफ वोट जो है क्रॉस करना चाहिए, जिसके बाद व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट हैव टू बी क्रॉस्ड, व्हाट आर मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट हैव टू बी क्रॉस्ड टू गेट इलेक्टेड। तो कोटा कैसे होगा, मान लो अब हम अज्यूम एक तो कर लिए कि 10 सीट्स है, ये 10 सीट्स है, स्टेट एक को राज्यसभा में 10 सीट मिली हुई है। ओके, अब हमने अज्यूम करते हैं कि कोटा क्या होता है, वैलिड वोट्स बाय सीट्स टू बी फिल्ड प्लस वन, राइट? एंड प्लस वन। अब हम इधर अज्यूम करते हैं कि वैलिड वोट्स हमारे 110 है, 110 वैलिड वोट्स हो गए, राइट? इस स्टेट ए के लिए 110 MLAs है, राइट? स्टेट ए में 110 MLAs है, राइट? और उन्होंने 110 के 10 MLAs ने सबने वैलिड वोट डाला, राइट? तो कितना हो गया, 110 ये हो गया, राइट? कितनी सीट्स भरनी है, 10 सीट्स। तो 10 + 1 11 + 1, सो कितना 11। तो अगर जो है 10 को इलेक्ट करना है तो 110 में से मिनिमम किसी एक को 11 मिल गया, राइट? सो ही विल गेट, ही और शी विल गेट इलेक्टेड। देखिए मैं एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट? यहाँ पर 1100 भी वैलिड वोट्स हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, तो उसके इसमें कितना हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा। ओके, कुछ भी हो सकता है, ये बस सिंप्लीफाई करें। तो आपको कोटा समझ में आ गया कि कितने वोट्स मिलने चाहिए फॉर समवन टू गेट इलेक्टेड। ओके, अब इलेक्शन कैसे होता है, अब राज्यसभा में जब जब इलेक्ट करना होगा तो जो एमएलएज हैं उनको मिलेगा एक बैलेट पेपर,
एक बैलेट पेपर। अब इस बैलेट पेपर पे वो लोग इंडिकेट, मान लीजिए ये 10 सीट के लिए, मान लीजिए आपके 12 लोग हैं, राइट, देर आर 12 पीपल फॉर दीज 10 सीट्स। तो क्या होगा, बैलेट पेपर पे वो लोग कितनी प्रेफरेंस, एक एमएलए, हर एमएलए कितना प्रेफरेंस देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 12 तक, 12 तक प्रेफरेंस, ये जो 12 लोग हैं राइट, उनको 12 तक वो प्रेफरेंस अपने बैलेट पेपर पे देगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे मेरा ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, राइट, ऐसे करके, ओके, ऐसे करके देंगे। तो हर एमएलए ऐसे करके देगा, एवरी एमएलए को बैलेट पेपर मिलेगा, सब अपनी 12 प्रेफरेंसेस इंडिकेट करेंगे। ओके, लेट मी सिंप्लीफाई इट। ओके, मैंने वहां एग्जाम्पल के लिए 10 ले लिया था, अगर मान लीजिए इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3 ले लीजिए। ओके, सो 3, तो सब अपना इंडिकेट करेंगे। अब सबने इंडिकेट कर दिया, सबने अपना बैलेट पेपर में प्रेफरेंस इंडिकेट करके उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया। अब होगी काउंटिंग। अब आगे बात काउंटिंग की। सो काउंटिंग में सबसे पहले जब हम काउंट करेंगे तो वी विल काउंट फर्स्ट प्रेफरेंस। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स काउंट करेंगे कि किस किस ने किसको कितनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी। और अगर हम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट करते हैं और उसमें फिर देखेंगे कि किस किस कैंडिडेट को, अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट 11 से ज्यादा मिल गए, इफ समवन हैज गॉट मोर देन 11 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, देन ही गेट सिलेक्टेड टू दी ही गेट सॉरी इलेक्टेड इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम दैट स्टेट। अब मान लीजिए ऐसे कुछ 5 6 लोगों को मिल गया, ओके, 6 लोगों को मिल गया, बाकी 4 को नहीं मिला, तो क्या होगा, जो 6 तो इलेक्ट हो गए, ओके, अब क्या होगा, जो 4 को जिनको नहीं मिला, अब इनके लिए क्या होगा, जो है इनके लिए क्या होगा, इनके लिए फिर क्या होगा कि सेकंड प्रेफरेंस पे जाएंगे। अब जो एक जो मिनिमम लाया होगा वोट्स, जो मिनिमम वोट सिक्योर किया होगा, उसके जो है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जो सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे, और उसके जो सेकंड प्रेफरेंस वोट देखेंगे वो इनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इन 4 को, ओके, इन 4 को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और उसके बाद अगर किसी ने 11 सिक्योर कर लिया तो वो फिर इलेक्ट हो जाता है राज्यसभा को। अगर फिर उसके बाद भी बचे तो सेम, फिर उनका जो मिनिमम लाया होगा उसके जो है अगेन सेकंड प्रेफरेंस कैंसिल कर देंगे, और फिर उसका जो है अगेन जो सारे वोट से ट्रांसफर कर देंगे। तो आप देख रहे हो इसमें सिंगल क्या है कि एक सिंगल बैलेट मिलता है, ओके, सिंगल बैलेट होता है, ओके, एक हर हर एमएलए को एक ही बैलेट मिलता है, उस पे उसको अपनी सारी प्रेफरेंस देनी होती है, दैट्स वाई सिंगल। और ट्रांसफरेबल क्यों, कि अगर जब कोई इलेक्टोरल कोटा सारे सिक्योर नहीं कर पाते, जो मिनिमम जिसको मिले होते हैं उसका फर्स्ट प्रेफरेंस कैंसिल करके उसका जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स काउंट होते हैं, मतलब उसका जो वोट है इट इज ट्रांसफर टू अदर्स। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसफरेबल। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर आप लोगों को। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, अगेन एक डाउट आया था कि राज्यसभा वर्सेस लोकसभा। सो बेसिकली देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में बेसिकली ये है कंपैरिजन ऑफ स्टेटस, ओके, कंपैरिजन ऑफ स्टेटस एंड पावर्स, राइट, स्टेटस और पावर्स का कंपैरिजन। सो 3 तरीके से हो सकता है, कुछ जगह राज्यसभा की पावर्स और स्टेटस इक्वल है लोकसभा से, कुछ जगह राज्यसभा की पावर्स और स्टेटस ग्रेटर है, और कुछ कुछ जगह राज्यसभा की पावर्स और स्टेटस कम है लोकसभा से। ओके, तो जैसे कम कहाँ पर है, वेयर राज्यसभा हैज लेस पावर्स देन लोकसभा, मनी बिल, ओके, मनी बिल, राइट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, राइट, अगेन। और आपको दूसरी चीजें देखनी है तो आई वुड रिकमेंड, देखिए इसके नोट्स आपको मिले होंगे, ओके, पार्लियामेंट के, सो प्लीज गो देयर और वहां पर आप देख लीजिए किन किन सर्कमस्टांसेस में राज्यसभा इज वीकर देन लोकसभा। नाउ देयर आर सम सर्कमस्टांसेस वेयर राज्यसभा इज स्ट्रॉन्गर देन लोकसभा, दैट इज, सो ये तो एक तो हो गया कि लाइक इन नेशनल इंटरेस्ट, इन नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है कि इट इज मैंडेटेड इन नेशनल इंटरेस्ट की लोकसभा की पार्लियामेंट शुड बी एम्पावर्ड टू मेक अ लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ओके, कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को ये पावर देने के लिए कि वो स्टेट लिस्ट में लॉ बना सके, राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है, और ये रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा पास कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। तो इस सेंस में ये पावर राज्यसभा के पास ही है, लोकसभा के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर राज्यसभा इज स्ट्रॉन्गर देन लोकसभा। ओके, और उसके बाद क्या हो गया, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विस। सो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है अगर आपको, राइट, कोई भी ऑल इंडिया सर्विस नहीं बनानी है, तो उसके लिए राज्यसभा को आर्टिकल 312 के अंदर राज्यसभा के पास पावर है कि वो रिजोल्यूशन के थ्रू ऐसी सच सर्विस क्रिएट करने के लिए अथोराइज कर सकता है। ओके, और कहा राज्यसभा इज स्ट्रॉन्गर देन लोकसभा,
रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा. ओके प्लीज कीप दिस इन माइंड, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है. एंड इक्वल कहाँ है राज्यसभा लोकसभा के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो इसमें राज्यसभा इक्वल है. ओके ऐसे ही दूसरे बिल से और दूसरी चीजों में राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, दैट यू कैन सी फ्रॉम दी नोट्स. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट डाउट, हमारा जो लास्ट डाउट है. ओके तो लास्ट डाउट हमारा ये है कि जो ये एकदम शुरू में जब मैंने पढ़ाया था, जब यू नो आपका कैबिनेट मिशन आया था. ओके सो कैबिनेट मिशन ने बेसिकली एक वो दिया था कि एक यू नो कि कैसे कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कैबिनेट मिशन ने बताया था कि कैसे हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी. ओके और उसमें ये होल्ड किया था यू नो कैबिनेट मिशन ने कि जो जो सीट्स हैं, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को सीट्स मिलेंगी, ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीट्स मिलेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ओके सो आई होप आपको समझ में आता होगा ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट. सी लेट मी मेक इट मोर क्लियर. कैबिनेट मिशन आया राइट, इट गेव कि हाउ कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कि कैसे किसको कितनी सीट मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. तो इसमें बेसिकली जब ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात है, देखिए प्रिंसली स्टेट की बात थी तो उनके लिए तो क्या था कि प्रिंसेस जो वहां के हैं वो अपने मेंबर्स नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नॉमिनेट करके अपने बंदे भेज सकते हैं प्रिंसली स्टेट. बट ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात थी तो यहां पर जो मेंबर्स थे देवर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. ओके पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज जो है जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीट्स दी गई थी, नाउ दे वर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, क्या है मुस्लिम, सिख एंड जनरल. ओके और ये कहा गया था कि मुस्लिम जो यू नो सीट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए, उसमें सिर्फ सिर्फ जो है मुस्लिम जो वो है प्रोविंशियल असेंबलीज में, प्रोविंशियल असेंबली में जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वही इलेक्ट करेंगे. ओके तो जो प्रोविंशियल असेंबली जो है हर प्रोविंस की, उसके जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वही इलेक्ट करेंगे. ओके मुस्लिम मेंबर्स को. ओके आई होप दिस इज क्लियर. सो द क्वेश्चन आस्क्ड इज दैट इज इट सेम एज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इज इट सेम एज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में दिया गया था. सो बेसिकली देखिए आइडिया तो यही था कि यू नो क्योंकि एक बार दे दिया है तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का ही, बट देखिए कुछ डिफरेंसेस थे. व्हाट वर डिफरेंसेस बिटवीन 1909 और यहाँ पर, फर्स्ट वॉज इनडायरेक्ट इलेक्शन. ओके यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ब्रिटिश प्रोविंस थे से एक ब्रिटिश प्रोविंस है, कोई मान लीजिए ब्रिटिश प्रोविंस है, कोई भी ब्रिटिश प्रोविंस है, उसको मान लीजिए 10 सीट दी गई है राइट. 10 में से 3 मुस्लिम्स के लिए है यू नो और 2 सिख के लिए है और बाकी जो बची 5 है वो जनरल है. तो ये जो 3 मुस्लिम के लिए है तो इस ब्रिटिश प्रोविंस के जो यू नो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो उसमें जो मुस्लिम से वो इन 3 मुस्लिम को इलेक्ट करेंगे. ओके बाकी और कोई जनरल पब्लिक नहीं करेंगे. बट जबकि ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में था तो वहां बस मुस्लिम वोटर्स इलेक्ट कर सकते थे. ओके सो वहां मुस्लिम वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे, यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे. और अगेन यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हो रहा है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ओके यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था. ओके सो इन दिस वे इट वॉज डिफरेंट. बट यस पीछे जो आइडिया था जो प्रोसीजरली इस टाइप से डिफरेंट था, एक डायरेक्ट था एक इनडायरेक्ट था. ओके और एक में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था. ओके बट जो आइडिया था कि यस वी नीड टू डिवाइड एंड रूल और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर कम्युनिटी को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो यस वो आइडिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स का था वही यहाँ पर था. ओके यू कुड सी दैट हियर ऑल्सो. तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर. ओके आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. So this is it. I think this covers up most of our doubts. Okay. So I hope आपको और कोई doubt नहीं होगा, right? And again, देखिए अगर और कोई general preparation को लेके भी doubt है, तो please feel free to ask. Okay? Please feel free to ask. अगर preparation को लेके भी कोई general doubt है, 5 मिनट हम उसको भी discuss कर सकते हैं, 1-2 मिनट. Okay? बाकी सारे doubts हमने जो जो भी इस बार बहुत कम आए थे doubts, so we have dealt with most of those doubts.
बट अगेन इन जनरल अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो अगर कोई जनरल डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अगर आपको कोई भी जनरल डाउट है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो अगेन देखिए मैं बस आपको अभी यही सजेस्ट करूंगा जो लोग स्पेशली जो अगर यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, नाउ योर फोकस शुड बी ऑन रिवाइज। ओके देखिए 2 घंटा ये लेक्चर्स करो, उसके बाद रिवाइज जरूर करो। ओके रिवाइज करोगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी। देखिए अगर किसी को ये डाउट आता है कि पार्लियामेंट्री ये करके, तो अगेन ये इसलिए आ रहा है कि आपने रिवाइज नहीं किया, तो प्लीज डू रिवाइज। ओके एक बार रिवाइज जरूर करिए। ओके और जो लोग यूपीएससी 2022 में दे रहे हैं तो फॉर देम अगेन आप लोग अभी जैसे कर रहे हैं तो पहले यस यहाँ पर तो कवर कर ही रहे हैं, बट साथ में आप लोगों के पास अभी टाइम है तो मेंस पे भी थोड़ा फोकस रखिए आप लोग अपना। ओके मेंस का भी पढ़िए, उसके नोट्स रेडी करके रखिए। ओके तो गाइज करंट अफेयर्स कब तक का आ सकता है? ओके सुधांशु करंट अफेयर्स जो है बेसिकली देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट आई वुड से 1 ईयर, 1 साल लीजिए। ओके तो पिछले जून से लीजिए, पिछले जून से लीजिए, या अगर आपको और सेफ होना है मई से, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं उससे पीछे कुछ हुआ उससे भी आ जाए, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स के जो इश्यूज है वो बार बार रिपीट होते हैं। ओके सो दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो आप पिछले 1 साल का 1 ईयर कवर करिए। ओके मई से लेके राइट 1 ईयर कवर करिए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड 1 ईयर। राइट पहले आप 1 साल का करंट अफेयर्स यू नो कवर करके उसको रिवाइज कर लीजिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके मेजर क्वेश्चंस जो अगर करंट अफेयर से आने होंगे वो इस 1 साल में होंगे। सर्टेनली इससे पीछे के भी आ सकते हैं, बट जो ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे आपके इस 1 साल में, तो इसको आप रिवाइज करके पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे, जो आई डोंट थिंक जो पॉसिबल रहेगा इतना, बट अगर फिर भी बचे तो आप फिर पिछले महीने का उसके एक एक महीने का पढ़ के कर सकते हो। ओके तो गाइज आई होप दिस डाउट सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू एंड थैंक यू वेरी मच गाइज एंड प्लीज कीप स्टडिंग आर प्लीज बी सेफ। ओके बाहर मत निकले। ओके बिकॉज सेकेंड वेव कोरोना की चल रही है तो स्टे एट होम पढ़ाई करिए। आई थिंक आप लोगों के लिए तो ये अच्छा ही है कि घर पे बैठ के आप पढ़ाई आप ज्यादा ओवर फोकस से करिए। ओके राइट एंड अगेन प्लीज देखिए फिर से कुछ आजकल कुछ रूमर्स चलने लग गए कि क्या पता प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाए ये हो जाए। प्लीज ऐसी रूमर्स में मत पढ़िए। ओके प्लीज डोंट गेट इनटू सच रूमर्स। आपका एग्जाम अभी तक तो जून 27 को है, जब तक यूपीएससी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देता तब तक आपका एग्जाम यू नो जून 27 तक ही है। नीमा कैन वी स्किप रीडिंग न्यूज़पेपर्स? तो देखिए इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं और अगर आप 2021 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो सर्टेनली अब आप यू नो न्यूज़पेपर पढ़ना स्किप कर सकते हो, और न्यूज़पेपर स्किप करके आप वो 1 घंटा जो है वो आप करंट अफेयर्स में दो, कोई मंथली मैगजीन पढ़ने में दो। ओके सो यू स्किप द न्यूज़पेपर और वो 1 घंटा करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन में दीजिए। ओके तो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड बी सेफ एंड स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़िए। ओके तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।